हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। 004 गैंग के 4 शातिर बदमाश हथियारों के साथ गिरफ्तार। ऑटोमेटिक कार्बाइन, 7 पिस्तल, 2 मैगजीन व 9 जिंदा कारतूस बरामद। महानगर पुलिस ने एक और गैंग के 4 बदमाशों को हथियारों के साथ पकड़ा है। पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल 004 गैंग के इन बदमाशों के पास से ऑटोमेटिक कार्बाइन, 7 पिस्तल, 2 मैगजीन व 9 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। डीसीपी पूर्व धर्मेंद्र सिंह यादव ने बताया कि कमिश्नरेट के 3 थानों मंडोर, रातानाड़ा व करवट की पुलिस व जिला पूर्व की स्पेशल टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए गैंग के 4 सदस्यों प्रतापगढ़ के गायरियों के ठाणे निवासी राजेश गायरी, लोहावट थाना इलाके के जाटावास निवासी निम्बाराम जाट, महामंदिर थाना इलाके की मदेरना कॉलोनी निवासी भानु प्रताप और नागौर के जायला स्थित धारना निवासी जयपाल जाट को गिरफ्तार किया है। हथियार तस्कर निम्बाराम हाल ही में हथियार के मामले में जेल से रिहा हुआ था। जेल से बाहर आते ही फिर से हथियार तस्करी के मामले में लिप्त हो गया। आरोपी निम्बाराम एक शातिर हथियार तस्कर है। उसके पास से पुलिस को एक ऑटोमेटिक कार्बाइन भी मिला है। ये हथियार सशस्त्र बलों के पास होता है, जो कि स्वचालित हथियार है। निम्बाराम के पास जो हथियार मिला है वो सशस्त्र बलों के पास होने वाले का देसी संस्करण है। इसमें एक बार बटन दबाने के बाद जितने राउंड होते हैं वो एक साथ फायर हो सकते हैं। कमिश्नरेट की पुलिस ने ऐसा हथियार पहली बार किसी बदमाश से पकड़ा है। राजेश गायरी के पास से पुलिस ने 2 पिस्तल व 2 मैगजीन तथा 1 जिंदा कारतूस बरामद किया। बदमाश राजेश गायरी को पूर्व में भी कमिश्नरेट की पुलिस ने हथियार के मामले में गिरफ्तार किया था। उसी में जो अपराधी सहीराम बिश्नोई, जो कि करवड़ थाने क्षेत्र में हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया था, उसने और भी हथियारों की सूचना दी थी, जिसमें उसने बताया कि वो और निम्बाराम नाम का जो स्मगलर है, वो दोनों मध्य प्रदेश जाकर कुछ ऑटोमेटिक वेपन भी पिस्टल के साथ लाए हैं। इसी संदर्भ में आज निम्बाराम, जो कि एक स्मगलर है आर्म्स का, उसके पास से एक सब मशीन गन टाइप कंट्री मेड वेपन और 3 पिस्टल उसके पास से बरामद हुए हैं। इसके अलावा एक प्रतापगढ़ का राजेश गायरी नाम का व्यक्ति जो स्मगलर है, उसे भी आज अरेस्ट किया गया है। जागरूक टीवी के लिए जोधपुर से मुकेश शिमर की रिपोर्ट।